मेरी तो समझ में आ ना रहा है, आप क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर करें तो क्या करें? हाँ महेश, मुझे एक आइडिया आया है। कुछ और कसर रहेगी के? क्यों, ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक पढ़े लिखे लड़के को पति बना कर ले जाती हूँ। क्या कह रही है तू? हर लड़की का एक पति होता है। हर आदमी अपना ईमान मेरा बेच, क्या बेच कर। ओफो महेश, तुम तो नाराज हो गए। अरे मैं सचमुच में किसी को अपना पति थोड़ी ना बना रही हूँ। तो सिर्फ मैं पापा को बहकाने के लिए उसे अपना नकली पति बनाकर ले जाऊंगी, सिर्फ दिखावा करने के लिए। पैसा पैसा, कोई भूखा मरता हो तो मर जाए, कोई जिंदा है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। हर चीज में बस पैसा चाहिए। किसी की माँ मरती हो मर जाए, किसी का बाप मरता हो मर जाए, बेरोजगार आदमी नौकरी पाने के लिए जाए तो सबको पैसा पैसा पैसा। पैसा हो गया भगवान। चुप मर जा, ये डेडे डेडे कर रहा है यहाँ, देख नहीं रहा बात कर रहे कितनी? कुछ कह रहा हूँ मैं तुझसे, आप अपना काम करो बस। महेश, मैंने एक फिल्म देखी है जिसमें गोविंदा हीरो होता है और करिश्मा कपूर फांसी दे देनी चाहिए। गोविंदा नौकर बन के आता है और सबका दिल जीत कर ले जाता है करिश्मा कपूर को अपने साथ। देख वह फिल्म है ना, मैं गोविंदा हूँ ना तू करिश्मा कपूर है, जमीन तक जुड़ी हुई बात करेगा। कोई मरता हो तो मरे, बीमार आदमी हॉस्पिटल में जाए, पैसा ना हो तो मौत पक्की है उसकी। एक गरीब आदमी तन ढकने के लिए ना जाने क्या क्या करता है, ईमान बेच दे, सब कुछ बेच दे, जब भी उसकी जेब में कुछ नहीं जाने वाला है। अरे मर जा, ज्यादा टेटे ना करे अन्ना, कहीं और बैठ जा जाके। मैं यूं कतई नहीं कर सकता। टैक्स लगना चाहिए प्लीज, तुम्हें मेरे लिए करना पड़ेगा। जो कोई बचा इस दुनिया, इतना मुश्किल काम है मैं कैसे कर लूंगा? उसको भी सरेआम गोली मार देनी चाहिए। नहीं महेश, तुम मुझे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। अरे क्या जरूरत है जीने की? ओए क्या है, हो जा। मैं तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूँ। हाँ भाई साहब, कह नहीं रहा हूँ कुछ मैं। हम फिर एक हो जाएंगे। कोई आदमी परेशान है तो उसकी परेशानी से किसी को कोई मतलब नहीं है। मर जा। मान लिया मैं तैयार हो भी जाऊं, पर होगा कैसे? मैं तो अपने पिताजी को 2-4 दिन का पहाड़ा पढ़ा के आया था। अरे कोई बात नहीं, बस ये थोड़े दिन की तो परीक्षा है। यहाँ आकर मेरा गला दबा रहा है। आइडिया, तुम बीच बीच में गांव होकर आते रहना। शरीफ आदमी का तो हर कोई गला दबाना चाहता है, हर कोई चाहता है कि शरीफ आदमी। यार एक बात बता, मान लिया बात हम मान भी ले करने के लिए, अब यह एक नई समस्या नहीं खड़ी होगी? तेरा पति कौन बनेगा पढ़ा लिखा? कोई भी आए, कुत्ते बिल्ली की तरह से ठोक कर चला जाए, कोई जीना है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है दुनिया में। यू बन जाएगा, पैसे की जरूरत होगी तो जरूर बन जाएगा, क्यों नहीं बनेगा? हेलो, अब मैं तुमसे कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद बात कर रहा हूँ, तुम्हें मुझसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बैठो लड़की को लेकर के, यहाँ बैठो बैठो। हाँ हेलो भाई साहब, क्या है? एक मिनट यहाँ तो आ। देखो मुझे बात करने की कोई जरूरत नहीं है तुमसे। आ जा यार, तू कितना अच्छा आदमी है, आ तो सही। आ जा आ जा आ जा, यहाँ आ जा, ये आ जा, यहाँ बैठ जा। के नाम है तेरा? मेरा नाम? मेरे से बात कर। क्यों? अरे कुछ तो होगा यार, बता, दोस्त है हम, ऐसी थोड़ी है। रोहित नाम है मेरा। क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ? हाँ तुम कौन हो? हाँ मैं नौकरी देने वाले। नौकरी देने वाले? हाँ पर कंपनी कौन सी है तुम्हारी? हमारी एक कंपनी है, हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है, लेकिन अगर तुम हमें कंपनी दोगे यानी कि साथ दोगे तो हमारी कंपनी में तुम्हारी नौकरी पक्की है। पर मेरा काम क्या होगा? तुम्हें सिर्फ मेरा पति बनना है। बले 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 बले। अरे सुन तो सही यार, अरे सुन तो सही, बात तो सुन यार। मैं नहीं। अरे सुन, मैं नहीं, बात तो सुन यार। क्या? हाँ, अब समझा। तुम्हें मेरा पति बनना है, घबराने की कोई बात नहीं है। मिलेगी, चिंता मत करो, पैसे खूब मिलेंगे, खूब। हाँ पैसा मिलेगा, पैसा। पर ये कौन है? ये मैं इसका होने वाला पति। तुम इसके होने वाले पति? हाँ। तो मैं? तू किराए का पति। किराए का पति? मैं तुम्हारी पत्नी। तुम इसकी पत्नी? तुम्हारी भी वैसे। मैं किराए का पति, ये पति, मैं किराए का पति, तुम पत्नी। हाँ। ये किराए का पति, मैं नहीं, मैं किराए का पति, ये पति, तुम पत्नी। तुम पत्नी, पति, मैं किराए का पति, ये पत्नी, ये पत्नी। हाँ हाँ बस ठीक है ठीक है। ये किराए का,
ये कह रहेगा पति है, पति है पत्नी, ये कह रहेगा पति है, पति है पत्नी, ये कह रहेगा पति है पत्नी। भोपू मत बजावे, कुछ काम आगे भी करने हैं। हाँ ठीक है, पैसा मिलेगा ना? पैसा खूब मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी। चल चल देखो कैसा पूरा पाड़ेगा यू। ये बैग तुम पकड़ लो, वरना ये कहेंगे कि रिश्तेदार बैग उठा कर आ रहा है और नौकर खा लिया। हाँ ये ठीक कह रहे हैं महेश, अब बैग तुम पकड़ लो ना। मैं पकड़ूंगा ये बैग। ये अच्छा ला भाई दे। महेश तुम पीछे बैग लेकर आओ और रोहित को आगे आने दो, मान लो ना प्लीज। आ जाओ। हाँ चलो। दीदी आप लोग आ गए। मम्मी पापा देखो ना कौन आया है। जीजा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दीदी ये कौन है? हम तेरे जीजा। क्या कि नौकर है? नौकर सर्वेंट। अरे बेटा अंदर तो आने दे। मम्मी नमस्ते, नमस्ते पापा। बाहर ही खड़ा रखेगी क्या इन्हें? नमस्ते जी। आओ जीजा जी आओ ना, मैं तो भूल ही गई थी। हाँ हाँ चलो ना। आओ बेटा बैठो। बैठो बेटा। और बेटा ठीक हो? हाँ जी ठीक हूँ। और बेटा घर पर भी सब ठीक है? जी घर पर भी सब ठीक है। अच्छा पिंकी बेटे जाओ पानी लेकर आओ। जी। संजना बेटे आने में बहुत वक्त लगा दिया। वो इन्हें ढूंढने में टाइम लग गया। क्यों तुम्हें इनका घर नहीं पता था? मतलब ये बाहर गए हुए थे, आने में टाइम लग गया इन्हें। ये कौन है? हम तुम्हारे दामाद। क्या ये कि नौकर? नौकर सर्वेंट। जी, जी मेरा नौकर है ये। नौकर? पर ये सोफे पर क्यों बैठा है? अच्छा तो बेटे ये बताओ तुम्हारे पापा क्या करते हैं? जी वो तो विदेश में रहते हैं मम्मी के साथ। विदेश में? अच्छा विदेश में कहाँ रहते हैं? लंदन। जी अमेरिका। पहले लंदन थे अब अमेरिका शिफ्ट हो गए। अच्छा अच्छा। बेटा रोहित तुम क्या करते हो? वो तो बताऊंगे। वो नई नई जॉब है ना, इसलिए काम अब कंफर्म होगा। जी हाँ, पानी। वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, आजकल छुट्टियों पे चल रहा हूँ। अच्छा जी। लो। अरे तुमने भी इनकी इंक्वायरी से लेनी शुरू कर दी, थक गए इन्हें आराम करने दो। पिंकी जाओ कमरे दिखा दो। जी। और हाँ बाद में खाना खिला देना। नहीं मम्मी जी खाना तो हम लोग खा कर आए हैं। आइए जीजा जी। हाँ चलिए। महेश बैग ले लो। जीजा जी ये तो बड़ा आकड़ू है, क्या नाम है इसका? महेश। अच्छी जोड़ी लग रही है इन दोनों की। जीजा जी ये रहा आपका और दीदी का कमरा। और महेश तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तू यहाँ ही बता दे, मैं अपने आप चला जाऊंगा। क्यों? वो इसलिए ना कि ये मेरा नौकर है, मेरी सेवा करेगा, मेरे पैर दबाएगा। साले के कह रहा था नौकर तेरा है? तू नौकर, तेरा बाप नौकर, तेरा दादा नौकर, तेरा सारा खानदान नौकर। क्या कह रहा है ये? सेवा कर रहे हैं ये? कुछ नहीं कह रहा, ये तो अपना परिचय दे रहा है। ये कह रहा है कि ये हमारा नौकर है, इसका बाप हमारा नौकर था, इसका दादा भी हमारा नौकर था, इसका पूरा खानदान नौकर रहा है। ये आपके साथ पहले से रहता है? हाँ हाँ क्यों? तो इसने पहले कभी नहीं बताई ये बात? पहले पहले कभी नहीं बताई, पर आज मैंने ठान लिया कि अपने महेश का पूरा परिचय जानकर ही दम लूंगा। पिंकी अब तू जा अपने जीजा जी को आराम। हाँ, जा जा। अरे मैं तो भूल ही गई, महेश
तुम्हारा कमरा जीने के बराबर वाला है। मतलब मैं उंगा सोऊंगा और तुम दोनों एक जगह ही सोओगे बेड पे? महेश मजबूरी है। तू कहाँ सोओगा? यहीं सोऊंगा और कहाँ? अरे यहाँ तो पता है पर यहाँ कहाँ सोओगा? बेड पर। बेड पे? हाँ स्वामा तुझे बेड पे। तू यहाँ सोओगा जमीन पे। जमीन पर? हाँ जमीन पे। मुंह के सुकोड़ रहा तनखा मिलेगी तुझे इस बात की तो देना। और हाँ जो कुछ बात करनी है मेरे सामी कर, पीछे ते बोल लेगा नहीं तू इससे। ठीक है संजना तू आराम कर मैं चलता हूँ। ठीक है। ये अबे तू क्या सोच रहा? तेरे हिसाब से चलूंगा, पपी लूंगा, बेड पर भी सोऊंगा, दरवाजे भी बंद करूंगा, समझा? और हाँ मैं वहां सो जरूर रह हूं, कान मेरे यही है, जरा सी भी आवाज आ गई ना फिर मैं तुझे बता दूंगा। और हाँ मैं किसी टाइम भी चेक करने आ सकता हूँ, कुंडी बंद मत कर लिए। चेक कर लिया किसी टाइम जैसा ये है इसे तुम तो जल सकती हो, मैं नहीं जल सकता। क्या हो रहा है? पापा मैं वो महेश को काम समझा रही थी। काम? काम समझा रही थी? हाँ जी। पर ये कौन सा तरीका है? ऐसा समझाना तो मैंने पहली बार देखा है, वरना काम तो मुंह से बोलकर समझाया जाता है। वो पापा वो अच्छा रहने दे। ये बता कि दमाजी को चाय देकर आई? बस अभी देके आ रही हूँ। चल तू छोड़ रहने दे। चल महेश चल कर दमाजी को चाय देकर आ। चल चल। तेरा ससुरा बेड पे पड़ा है, कह के गया था जमीन की ब्याहूंगा इसे चाय। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी बता रहा है, जब मन ने मना करी तो बेड पे कैसे सोया? भाई साहब दरवाजा खुला हुआ था, संजना जा चुकी थी यहाँ से, और मैं नीचे लेटा रहता और बाई चांस वो बूढ़ा आ जाता तो सारा भांडा ना फूट जाता। हाँ यार यह बात तो तू ठीक कह रहा है। अरे अपनी किस्मत ही खराब है यार, जिस घर में जमाई बन के आना चाहिए था सुसरे नौकर बन के आए। चल हट परेगू आराम करन दे, बाहर गया तो बूढ़ा फिर कोई काम बताओगा। ट्रेन छूट जाएगी भाई। हद होगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तुम तो मौज ले रहे हो दोनों, कदी पार्टी कदी घूमना, ऐस काट रहे हो ऐस, और जो असली काम है वो हो नहीं रहा। और हम कर भी क्या सकते हैं, जितना हो पा रहा है उतना किया जा रहा है। कोई नहीं जा रहा कहीं भी, और अगर जाओगे तो मैं भी गैल जाऊंगा। अरे पर हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक काम करते हैं, तुम दोनों तो जा ही रहे हो, मैं भी बुड्ढे से कह दूंगा कि मैं गांव में जा रहा हूँ, तुम स्टेशन पे मेरा इंतजार करियो मैं वहां आ जाऊंगा। और हाँ वो पटबीज ने मेरा टिकट लेकर आ गया इतने। तुम मुझसे ढंग से नहीं बोल सकते क्या? तू है इस लायक? मतलब इस घर में चाहे कुछ भी हो जाए सब चढ़ेंगे मुझ पर ही। बताऊं? अरे अरे लड़ना छोड़ो और चलने का प्रोग्राम बनाओ। चलो। ओए महेश महेश प्लीज तुम ले लो प्लीज। चल दिए मेरे बच्चे। शुक्र है आप मान तो गए। बेटी ठीक से रहना और किसी अनजाने लोगों से ज्यादा बातें मत करना। ठीक है मम्मी जी। अच्छा मम्मी नमस्ते। ओए तू कहाँ जा रहा है? यही रुक। मैं गांव में जा रहा हूँ और यहाँ के एक रूआ। ए तू यही रह, घर का काम कौन देखेगा? ठेका लिया मैंने घर के कामों का, मैं नौकर हूँ इनका थारा थोड़ी हूँ। बात
मेरी इनकी या नौकर की ना है। बेटा घर में काम बहुत है और तुझे तो मालूम है मेरी तबीयत कुछ खराब रहती है। अच्छा अगर मैं तुझे अपना बेटा बना के रखूंगा तब भी नहीं रुकेगा। असल बात यह है बेटा, हमारा नौकर अभी छुट्टी पर है। कोई अगर मगर नहीं, जब ये बेटा कहकर रोक रहे हैं तो रुक जा बेटा। हाँ जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ, महेश मेरे ही पास है। क्यों मुन्ना? ला महेश ये बैग मुझे दे दे। अच्छा पापा। अच्छा बेटा। अच्छा डैडी जी। अच्छा मम्मी जी। बाय दीदी। बाय जीजू। बाय 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 दीदी। बाय जीजू। बाय बेटा। बाय। बेटा कैसा सुस्त सा बैठा है, तबीयत तो ठीक है तेरी? हाँ जी ठीक है। मुझे पता है तेरा मन नहीं लग रहा है। अच्छा ये बता बेटा, गांव में तुम कौन कौन रहते हो, क्या करते हो? जी गांव में मैं और मेरे पिताजी रहे हैं, हम खेती बाड़ी करें। अच्छा थोड़ी ही जमीन होगी गांव में? नहीं नहीं जमीन तो जी 50-55 बीघे है, ट्रैक्टर भी है। तो तेरे तो बहुत जमीन है, इसका मतलब है कि तू भले परिवार का है, फिर ये नौकर का काम क्यों करता है? मैं नौकरी पैसों के लिए नहीं करता जी, कभी कभी काम कुछ पाने के लिए भी किया जाता है। तो क्या पाना चाहता है तू? पा तो लिया माँ जी, बस हासिल होने की कमी है, और थारा आशीर्वाद रहा तो वो भी हो जाएगा। क्या पा लिया, जरा हमें भी तो पता चले। बस ये समझ लीजिए जी, यहाँ आया हूँ तो आप में अपनी माँ को पा लिया। पगले। महेश। अरे तुम उल्टे आ गए, तेरे बिना जाकर करते क्या हम? अरे यार तू तो बहुत बढ़िया आदमी है, मैं तो तुझे वैसे ही मान रहा था, पर तन्ने तो यार उल्टे आके इंसानियत दिखा दी। बता तुझे के दूं यार? बस बस बस, के ही नाम दे दूं मैं? इसने तो संजना वाकई नाम का काम कर दिया। तुम लोग वापिस आ गए? कुछ सामान रह गया है क्या? नहीं जी वो हमारे टिकट खो गए। हाँ हाँ टिकट खो गए, हमारे टिकट खो गए। टिकट खो गए। अरे पापा जी घर से बाहर निकलते ही अब शकुन शुरू हो गए, रास्ते में 2 बार काली काली बिल्लियों ने रास्ता काट दिया, और पापा जी जिस टैक्सी में हम बैठकर जा रहे थे उसके सारे टायर पंचर हो गए। क्या है ना, बगैर मन के जा रहे थे इसलिए काम हुआ ही नहीं। बगैर मन के? इन्हें क्या हो गया? आप बड़े ऑफिस जा रहे हैं बार बार, शायद पेट खराब हो गया। पर तुम दोनों वापस कैसे लौट आए? टिकट खो गए। टिकट कैसे खो गए? और चलो खो भी गए थे तो वहाँ रिजर्वेशन काउंटर से दूसरे ले लेते। की फायदा, फिर खो जाते। फिर क्यों खो जाते? नहीं नहीं वो बगैर मन के जा रहे थे ना, और जब बगैर मन के जाते हैं तो काम बिगड़ ही जाता है। ये बात कुछ समझ में नहीं आई। अभी आने की भी ना है। चलो संजना। नहीं नहीं शादी होने के बावजूद हनीमून पर जाने का मन नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है?